प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। कई बार किसी चीज के लिए अचानक से क्रेविंग होने लगती है, तो वहीं कई चीजों की तरफ देखने का मन तक नहीं करता। वहीं कई महिलाओं में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। हालांकि ये सभी बातें बेहद अजीब सी लगती हैं। वहीं आज हम आपको प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब तथ्यों के बारे में बताएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि प्रेगनेंसी के दौरान खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त माँ के साथ साथ होने वाले बच्चे का जीवन और उसकी सेहत भी जुड़ी रहती है। ऐसे में अगर आप भी कॉफी पीने के शौकीन हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान कॉफी का सेवन बंद कर दें। और इसकी वजह है कॉफी में पाया जाने वाला कैफीन। जी हाँ, हालिया स्टडीज में ये बात साबित हो चुकी है कि प्रेगनेंसी के दौरान कैफीन के सेवन से होने वाला बच्चा कम वजन के साथ पैदा होता है। लेकिन अब एक नई रिसर्च में ये बात भी सामने आ गई है कि प्रेगनेंसी के दौरान हर दिन 2 से 3 कप कॉफी का सेवन करने से होने वाले बच्चे के लिवर का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता, जिससे बड़े होकर बच्चे का लिवर डैमेज होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि प्रेगनेंसी के दौरान कैफीन के सेवन से जन्म के वक्त बच्चे में लिवर हार्मोन इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के लिवर का विकास प्रभावित होता है। वहीं नतीजा इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कैफीन की अधिकता की वजह से मां के शरीर में स्ट्रेस हार्मोन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे जन्म से पहले ही बच्चे के लिवर का विकास प्रभावित होता है। तो अगर आप भी दिन भर में 2 या 3 कप कॉफी का सेवन कर रही हैं, तो यह आपके होने वाले बच्चे के लिए बेहद खतरनाक है। बेहतर होगा कि आप प्रेगनेंसी के दौरान 1 कप कॉफी से ज्यादा का सेवन ना करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।